बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से दोस्तों की फरमाइश आ रही थी कि यूके के बाहर से भी आप सैर कराएं, घूम फिर के कुछ जगह दिखाएं। तो आज मौसम बहुत अच्छा था तो सोचा था आपको भी कुछ बाहर की सैर जो है वो करवा के लाते हैं। तो आज ये एक लेक पे आए हम। यहाँ पे आपको एक ऐसी कश्ती भी दिखाएंगे जिसमें घर बना हुआ है, जिसके अंदर लोग रहते हैं। आगे स्पेशल उन्होंने हॉलीडे के लिए रखी हुई है। तो चलो हमारे सफ़र में हमारे साथ रहिए। ये देखें दोस्तों, ये कोई दरवाज़ा नहीं है, ये इन्होंने इधर बैरियर लगाया हुआ है पानी को रोकने के लिए। इसके नीचे से थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो निकल रहा है। ये जब ये जो ब्लैक चीज़ लगी हुई है, जो यहाँ पे कहीं मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है, कोई लीवर इसका, यहाँ पे एक जगह पे लीवर लगा हुआ है, वो वहाँ से उसको घुमाते हैं वो दूसरी साइड पे शायद। तो ये दरवाज़ा जो है वो खुलना शुरू हो जाता है, एक उस तरफ चला जाता है, दूसरा इस तरफ आ जाता है, तो पानी जो है वो आगे जाना शुरू हो जाता है इसके साथ। इसी तरह आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक्सक्यूज़ करेंगे अगर कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, तो मैं आज स्टैंड साथ लाना भूल गया। ये देखें इसके नीचे जो है, ये नीचे तक दरवाज़ा नहीं है, ये है ऊपर सिर्फ दरवाज़ा। इसका मकसद ये है, इस डैम का पानी रोकना इनका मकसद नहीं है। असल में ये जो कश्तियाँ सामने खड़ी हैं, इन कश्तियों को यहाँ से आगे ले जाने का एक तरीका है ये। जब वो कश्ती को आगे लेके जाना होता है तो कश्ती को अगर लेके आते हैं, पानी पीछे से खोलते हैं ये वाला गेट, और ये जो गहरी जगह है इसमें पानी भर जाता है। आगे वाला जो गेट है वो बंद रहता है, वो सामने देखें वो गेट जो है वो बंद होता है। तो फिर क्या होता है कि ये जब भरता है तो फिर कश्ती को जो है वो आगे मूव करता है, क्योंकि पानी जो है वो पिछली सतह के साथ बराबर हो जाता है। तो कश्ती को आगे मूव करके जब इन्होंने आगे ले जाना होता है नहर के दूसरे हिस्से में, तो वो फिर आगे वाला गेट जो है उसको स्लोली खोलते हैं, पानी की सतह नीचे जाती है और कश्ती जो है वो आगे चली जाती है। ये है इसका तरीका कार जी। तो जिस बंदे को समझ ना आए, किसी ने बनानी हो ऐसी नहीं है। देखेंगे पानी जा रहा है कि पानी वैसे काला नज़र आ रहा है, नीचे सतह ऐसी काली है, पानी जो है वो साफ़ है। ये देखें जी, ये जिस लीवर की मैं बात कर रहा था, वो लीवर ये लगा हुआ है, इसको घुमाते हैं यहाँ से ये इस जगह पर। ये पानी जो है वो ज़्यादा गहरा नहीं है, ये यहाँ पे एक डॉक बनी हुई है कि सारी कश्तियाँ जो है यहाँ पे लोग खड़ी रखते हैं। ये रिवर जो है वो मुझे लंबाई का तो पता नहीं कि कितनी लंबाई है इसकी, लेकिन बहुत दूर तक जाता है ये। मैं देखें जी, एक घर के साथ लोगों ने कुत्ता बांधा हुआ है, तो ये जिस कश्ती की मैं बात कर रहा था वो ये सामने है। कश्ती से पहले वो घर सामने देख रहे हैं, वो लकड़ी का घर बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत किस्म का। अगर मैं दूसरी साइड पे गया नहीं, उसको असल में लॉक लगा हुआ है, वहाँ पर आप जा नहीं सकते। तो ये कश्तियाँ जो हैं ये लोगों ने हॉलीडे के लिए जो है वो बनाई हुई हैं, यहाँ पे पार्क कर देते हैं, बल्कि उल्टा वो किराया देते हैं यहाँ पे खड़ी करने का। तो जब गर्मियों का मौसम आता है, इसके अंदर बेडरूम है, किचन है, टॉयलेट है, सारी चीज़ें जो इसके अंदर लगी हुई हैं, बिजली का इंतज़ाम है पूरा। और देखें कि वो देखें नंबर प्लेट लगी हुई है, आप देर नज़र आ रही होगी, अगली कश्ती में अगर लगी हुई तो मैं आपको दिखाऊंगा। इनकी रजिस्ट्रेशन होती है गाड़ियों की तरह, बाकायदा इनका टेस्ट होता है और इनकी सर्विसिंग वगैरह सारा काम करवाना पड़ता है, तब ये कश्ती जो आप यहाँ पे डॉक में खड़ी कर सकते हैं। वैसे नहीं है, जिसका बंदा का दिल चाहे वो ये नहीं कर सकता। तो यहाँ से ये जब बहुत आहिस्ता ये मूव होती है कश्ती, तो लोग इसको चला के यहाँ से मुख्तलिफ जगह पर आगे जाते हैं, वहाँ पे हो सकता है उस टॉक पे खड़ी करते हैं उसको। ये देखें जी, इस कश्ती का भी देखें, बड़ी ज़बरदस्त आँख बनाई है किसी ने, ये पाकिस्तानी ट्रकों वाला साफ लग रहा है इसका। ये देखें, ये इस कश्ती का जो वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसके ऊपर ये छोटी जो कनू रखी हुई है, ये बंद है शायद, इसमें कोई बंदा इस वक्त मौजूद नहीं है इसलिए ये बंद है। ये देखें, असल में जो वो नंबर तो वैसे लगा हुआ था, ये जो इसकी रजिस्ट्रेशन है कनाल एंड रिवर ट्रस्ट की तरफ से, ये यहाँ पे होती है। और ये देखें, इसका नीचे जो है वो लाइसेंस की जो MOT वगैरह जो इसकी होती है वो भी इसका मौजूद है। ये जब एक्सपायर हो जाएगी तो लोगों को इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा।
मुश्किल ये है कि यहाँ पे अभी कोई कश्ती जो है वो देखे बाबा जी सामने बैठे हुए हैं कश्ती के अंदर एंजॉय कर रहे हैं, तो मुश्किल ये है कि कोई बंदा कश्ती चला रहा हो क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग जो है वो बाहर नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इतना रश नहीं है। वैसे काफ़ी लोग होते हैं यहाँ पे जो घूमने फिरने के लिए आते हैं। ये ज़रा कश्ती बेचारे किसी गरीब मिलियनर की है क्योंकि इसकी कोई देखभाल नहीं हो रही है, है भी कैसे चवल सी कश्ती है। देखिए ऊपर जो वाह जी वाह, ये देखिए ऊपर हॉर्न भी लगा हुआ है इसका, जो बसों में नहीं लगा हुआ था पाकिस्तान में वो लगा हुआ है। अक्सर कश्तियाँ जो है उनके ऊपर आपको सोलर पैनल नज़र आएंगे, वो बिजली के लिए वो सोलर पैनल यूज़ करते हैं ताकि बिजली पैदा हो और पूरे उसके घर की सहूलत जो मौजूद हो, अंदर टीवी लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन है, सारा सिस्टम इसके अंदर है। ये देखें आपको जैसे नज़र आ रहा है पीछे तक काफ़ी कश्तियाँ जो वो खड़ी हैं उधर, बड़ी खूबसूरत जगह। आज गर्मी है, तकरीबन 32 डिग्री टेम्परेचर है। अभी रास्ते में आते हुए मैंने गाड़ी के वो मीटर में देखा उसको, तो ये देखें ये बच्चे जो है वो भी सैर करने के लिए आए हुए हैं। कुछ सैर भी हो जाती है, कुछ वॉक भी हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है, वैसे तो किसी ने एक्सरसाइज करनी नहीं होती। तो चलें ये देखें जनाब, ये भी देखें कि किस तरह ज़बरदस्त तरीके से पर्दे लगे हुए हैं, ये देखें। इन चीज़ों की देखभाल भी की जाती है, रिवर ट्रस्ट है जो वो इसको दरियाओं को साफ़ करती है और ये जगह बनाई होती है लोगों के लिए स्पेशल, ताकि लोग जो यहाँ पे जो इतने पैसे लगा रहे हैं। ये देखें इसका जनाब कश्ती का नाम भी है कैरी गोल्ड, तो कुछ लोगों ने अपनी बेगमात में कश्तियों का नाम रखा हुआ है, कुछ ने किसी और मेमोरी की वजह से रखा होगा, लेकिन लोगों ने ऐसे जो है वो कश्तियों के नाम जो है वो रखे हुए। इसी तरह आगे चलते जाते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी ये वीडियो। इसी तरह आपको शहर भी दिखाएंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस चाहिए। ये देखें ये भी बहुत पुराने ज़माने का शायद कोई लीवर लगा हुआ है इसको दरिया की जो बहाव है उसको रोकने के लिए, जो गेट्स फ्लड गेट्स वगैरह लगाए हुए ने उनको। तो मेरा छोटा पीछे आ रहा है तो वो दरिया के बहुत पास पास चल रहा है, मुझे ज़रा वार्निंग देनी पड़ेगी उसको कि थोड़ा दूर होकर चलो। यूसुफ 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 कैन यू वॉक अवे लिटिल बिट प्लीज़, नॉट क्लोज टू द एज, ओके। ज़रा वो शहनशाह किस्म का बंदा है, उसके ऊपर वहाँ नहीं होती, वो जहाँ पे दिल करता है घूमता रहता है, तो ख़तरा तैरना मुझे भी नहीं आता, तो अगर वो गिर गया तो फिर छलांग लगानी पीछे पड़ेगी, तो ऐसा ना हो कि दोनों बाप बेटा जो है वो यहाँ पे ही डूबते रहें। अक्सर जगहों पे यहाँ पे वो ट्यूबें वगैरह लगी हुई हैं, तो अगर कोई बंदा डूब रहा हो तो वो ट्यूब को पकड़ सकता है, लेकिन ट्यूब तक पहुँचते हुए टाइम लग जाता है। ये देखें जी, ये किसी की मेमोरी में किसी बंदे ने बेंच लगवाया है यहाँ पे, ये इन द मेमोरी ऑफ बाप पैक 1918 टू 1998। ये जनाब बंदा 18 में पैदा हुआ था, 19 में फौत हुआ, शायद कितना 80 ईयर बंदा है। ये इसकी मेमोरी में यहाँ पे लोगों ने लगवाया, रीप डॉट टच एनीथिंग, उसकी मेमोरी में लगवाया उन्होंने, ताकि लोग जो जहाँ पे घूमने के लिए हैं यहाँ पे बैठें तो उस बंदे को भी जो है वो थोड़ा सा स्वाब पहुँच जाए, थके हुए लोग बैठ जाएँ। मैं तो बच्चों को मना कर रहा हूँ कि अभी नहीं बैठें, कि यहाँ मना किया गया यहाँ पे कि किसी भी पार्क में किसी जगह पे भी अगर बेंच लगे वहाँ पे ना बैठें, हो सकता है कोई बंदा आपसे पहले बैठा हो वहाँ पे उसके साथ अगर कोरोना आ जाए तो वो आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। वो देखें जी पीछे बहुत ज़बरदस्त किस्म की, ये बहुत बड़ा खेत है, शायद गंदम लगी हुई है इसमें, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ इसमें लगा हुआ है लाजमी। ये देखें जी बंदे साइकिलिंग भी कर रहे हैं, अपने अपने शौक़ की बात है, लोग अपनी मर्ज़ी से जो जैसे भी है उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो काम करते हैं। वो देखें जी एक बंदा आगे जो है वो मछलियाँ पकड़ रहा है, वो उसने देखे
एक झोंपड़ी सी लगाई है छोटी सी, उसके अंदर बैठा हुआ है। हो सकता है इधर पूरी रात इसने यहीं पे गुजारी हो, खाना वगैरह यहीं पे खाया हो, और मछली जो पकड़े वही दोबारा उसको दरिया के अंदर फेंकनी पड़ेगी, वो खाएगा नहीं। तो वो भी ये सिर्फ शौक़ की बात है कि शौक़ पूरा करने के लिए आया, कोई ये नहीं कि पैसे बनाने के लिए नहीं आया। उस दिन एक बंदे से मेरी बात हुई, मैंने पूछा कि ये आप कैसे, किस जगह पे अलाउड हैं फ़िशिंग करना ये वो। तो उस बंदे ने कहा जी कि ये आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, इसका भी परमिशन के बगैर आप फ़िशिंग भी जी नहीं कर सकते। क्या बात है अपने मुल्क की भी, जब दिल करा जहाँ पे दिल करा जहाँ चला गया वहाँ पे फ़िशिंग शुरू कर दी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये देखें बंदा बैठा हुआ, जनाब राड फेंका है इसने। ये देखें जी इसकी गाड़ी खड़ी है, बाद में बताऊंगा किस चक्कर में। हाँ भाई, यू राइट, एनी लक? ले अबे, यू बीन अवर नाइट For this morning. Yeah, the river is not very high today, is it? A nice weather as well for fishing. Zander, I thought that one. Zander? Yeah. Have you ever got Zander here? Do they have a Zander here? No, that's fine though. Yeah, there's Zander here. Really? Yeah, there's one I've seen with a jaw that wide. Across there. You caught it? No, I've seen it. I've caught it. It went for a perch I caught. Okay. I caught a perch like that. And it went for it. All right, so, okay. Yeah, it's good fun. I love to do it sometimes. चले जी आगे चलते हैं, सी राइट है। बंदा जनाब बैठा हुआ है मछलियाँ पकड़ रहा है, ये साथ इसकी चेयर रखी हुई थी, ये बैटरी से चलने वाली, जैसे बंदा जो चल नहीं सकता डिसेबल होता है वो उसके ऊपर बैठ के जो है वो आगे पीछे जाता है। ये बंदे का शौक देखें, ये डिसेबल भी है लेकिन फिर भी ये घर में बैठ नहीं गया जाके, इसने फिर भी अपने शौक़ को पूरा किया, यहाँ पे आया। कह रहा है कि सुबह 4 बजे से मैं यहाँ पे बैठा हुआ एंजॉय कर रहा, एक मछली का नाम ले रहा था। कह रहा था जी वो मैंने देखी है इधर लेकिन पकड़ी नहीं। लोग रूल फॉलो करते हैं, हमारे लोग हों तो वो यहाँ पे जनाब उन्होंने नेट लगाया हो, मछलियाँ पकड़ पकड़ के जनाब बेच रहे हो, लेकिन अगर इनको मना किया गया तो ये बंदे नहीं करेंगे। मछली अगर पकड़ी है दोबारा इसको पानी के अंदर फेंक देंगे, सिर्फ एक मेमोरी के तौर पर जी मैंने ये मछली पकड़ी थी। ये देखें जी आगे ये ब्रिज आ गया, शायद इसके ऊपर से मुझे नहीं लगता कि गाड़ियों का रास्ता हो, लेकिन हो सकता है बंदे एक तरफ से चल के दूसरी तरफ जो है वो इसके ऊपर जाते हो। जैसे जैसे कोई नई चीज़ आती जाएगी मैं आपको साथ बताता जाऊंगा उसके बारे में, लेकिन तब तक आप जो है वो व्यू एंजॉय करें। ये देखिए जो साइडों पे जो बुश बहुत ज़्यादा लगी हुई थी वो काउंसिल ने काट दिए ताकि किसी को नुकसान ना हो। यहाँ पे देखिए पानी बहुत गंदा नज़र आ रहा है, ये क्योंकि ठहरा हुआ है पानी चल नहीं रहा। तो आपको जो पानी के बारे में थोड़ा बहुत लोग जानते हैं उनको मालूम होगी। ये देखें जी ये इस टेरिटरी के अंदर ये 20 नंबर ब्रिज है, ये इसकी निशानी इन्होंने लगाई है ताकि लोग जो है वो जब कोई रास्ता तलाश कर रहे हो, कोई बंदा गुम हो जाए या कुछ, तो उसको पता हो कि मैं कहाँ पे हूँ, किसी को निशानी देनी हो तो। बॉयज़ बी केयरफुल, थोड़ा लो है ब्रिज, शायद ऊपर से रास्ता आता था, मैंने गलत रास्ता इस्तेमाल किया, लेकिन बच्चों को वार्न करना तो बनता है, अगर हमने गलती की है तो लाजमी नहीं कि बच्चे भी जो है वो करें इसको। ये देखें जनाब ये जोड़ा भी यहाँ पे घूम रहा है, ये देखें जी पानी लगता है ज़्यादा गहरा नहीं है, बहुत ज़्यादा हुआ तो कुछ 4-1 फुट होगा। वो देखें उसमें मछलियाँ जो है वो नज़र आ रही हैं कैमरे से, हो सकता है नज़र आए ना आए लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। ये देखें बहुत छोटी छोटी मछलियाँ, बच्चे मछलियों के, ये पानी के ऊपर जो है वो तैर रहे। जो रात इस बारे में थोड़ा नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा कि कैसे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। शौक़ तो बहुत लोगों को होता है लेकिन पकड़ने का फन जो है वो किसी किसी बंदे को होता है। जब मैं पाकिस्तान में था तो हमारा एक दोस्त था, वो
किसी भी जगह नाले में जाके पानी, जैसे छोटे नाले होते हैं ये अपने ज़बान में कांसी कहते हैं, वहाँ पे जाके वो बेशक किसी गढ़े के अंदर मछली हो उसको ऐसा पता चलता था, वो हाथ डाल के मछली पकड़ लेता था वहाँ से। तो अपने अपने हुनर की बात है। ये देखें जी, ये किसी ने लगाया था यहाँ पे 2002 में, ये किसी ने बेंच लगाया था ये किसी के नाम से। ये तो बहुत पुराना हो गया। तो जी बाबा जी को रास्ता दो। ये देखें जी, ये बाबा जी भी जा रहे हैं पानी की बोतल हाथ में। वो देखें जहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त खेत है, पीछे फसलें उनमें लगी हुई हैं, अभी छोटी छोटी हैं शायद, किस पता नहीं चल रहा कि किस चीज़ की हैं, लेकिन है ज़रूर। यहाँ ये मसला है कि हर जगह फसलें जो है उनको बॉर्डर लगा के बंद किया गया है ताकि कोई जानवर उस तरफ से ना जाए। बल्कि जानवर जो है वो तो बाहर सड़कों पे तो घूम नहीं रहे होते यहाँ पे, लेकिन अगर उन्हें जानवर खेत में अगर छोड़े हुए हैं, उस जगह पे छोड़े हुए हैं जानवर, तो कोशिश करते हैं कि वो जानवर जो है वो बाहर सड़क पे ना आए, किसी और के लिए ख़तरा ना बने। ये देखें जी, नो फिशिंग बियॉन्ड दिस पॉइंट, यानी कि अभी कह दिया गया है कि इस जगह से पीछे जो है वो आप फिशिंग नहीं कर सकते, तो कोई बंदा जनाब नहीं करेगा इससे आगे फिशिंग। देख नहीं रहा यहाँ पे कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी लोग जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कानून बना हुआ है तो उसको फॉलो करें। जब हमारी कौम में ये ख्याल आ गया कानून फॉलो करने का, तो हम सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौम जो है वो बन सकेंगे, लेकिन उसके लिए ये ख्याल जो है वो बहुत लाजमी है। ऊपर से बिजली की तारें गुजर रही हैं, तो नीचे जो ना वो देखें, वो जो येलो बोर्ड लगा हुआ है उस पर वार्निंग लिखी हुई है कि ऊपर से तारें जो है वो गुजर रही हैं। ये अब मुझे नहीं पता कि सेफ्टी क्यों बताई गई है, तारें अगर गुजर रही हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने बता दिया कि तारें गुजर रही हैं, बहुत ऊँची हैं, कोई नीचे भी नहीं है कि किसी के लिए ख़तरा हो। देखिए कुछ गोरे हज़रात जो है वो बहुत फ्रेंडली भी हैं, बंदा कोई गुजर रहा हो तो उससे हेलो हाय करते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो नहीं करते, उनको इस बात का ख्याल नहीं होता, वो बस अपनी एक तो अपनी दुनिया में मगन होते हैं, दूसरा जो है वो हो सकता है फॉरेन लोगों को पसंद ना करते हो। वो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो एंड नहीं है इस रिवर का, आगे भी उसके रिवर है और, लेकिन वहाँ पे एक बॉर्डर बनाया गया है, उन कश्तियों के लिए जगह बनाई गई है, अगर पानी कम हो तो यहाँ पे पानी रोक के उन कश्तियों के लिए पानी मुहैया किया जाता है ताकि वो नीचे ज़मीन के साथ जाके ना लगे। बहुत कम वाक़ हैं कि पानी यहाँ पर कम हो, लेकिन एहतियाती तदाबीर के तौर पर उन्होंने ऐसे किया हुआ है। अगर किश्ती ने जो है वो किसी और जगह पे जाना हो, किसी और डॉक में जाना हो, तो वो गेट वगैरह जो है वो इसी चीज़ के लिए काम आते हैं। ये देखें, ये साथ साथ जितने ये बैरियर लगे हुए हैं, ये इसीलिए कि लोगों ने अपनी जगह को एक तो बंद किया हुआ है, दूसरा ये कि कोई जानवर जो है वो उधर से इधर ना। ये देखें यहाँ पर लोहे की भी लगी हुई है, गाय वगैरह लोगों ने रखी होती हैं, फार्म है वहाँ पर। तो कोशिश करूंगा कि किसी दिन आपको फॉर्म की भी सैर कराएं, कोई अगर फॉर्म नज़र में आ गया तो। एक तो यहाँ पे परमिशन का मसला होता है, तो जब अगर कोई मौका मिला, ये देखें जी, ये जनाब गेट ब्रिज नंबर 20A है, ठीक है, ये इस ट्रस्ट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन नंबर सारी कहानियाँ जो है वो यहाँ पर दर्ज है। ये पुल जो है ये मुझे कम से कम भी कोई 200-300 साल पुराना लग रहा है,
जैसे आप कोई देखें मंगला की तरफ कोई बंदा अगर गया हो तो वहाँ पे देखें इस ऐसी साख के जो है वो पुल बहुत से आपको नज़र आएंगे, जिनकी गारंटी इन लोगों ने तो ख़त्म कर दी है, लेकिन हमारी आवाम जो है फिर भी ट्रक उसके ऊपर चढ़ा रही है। तो ऐसे ट्रक ऐसे पुल जो है यहाँ पर बहुत तादाद मौजूद है, ख़ासकर जब आप लंदन की तरफ जाएँ या जो पुराने शहर हैं यूके के वहाँ पर जाएँ तो आपको बहुतात होगी यहाँ पर ऐसे पुलों के। ये देखें वो सामने जो ये लोहे की प्लेटें लगी हुई हैं ये सामने, ये इन्होंने इसलिए लगाई हैं कि यहाँ से हो सकता है कि मेरे ख्याल में दरिया की जो मिट्टी है वो नीचे गिर रही थी और दरिया साइडों पे जो रास्ता बना हुआ है उसकी तरफ जा रहा था, तो इन्होंने ये आगे डिफेंस लगा दिया उसका कि दरिया कटाई ना हो। सॉरी, ये कटाई जो है वो लफ्ज़ होगा शायद इसके लिए कि कटाई जो है वो ना मज़ीद आगे ना हो। ये देखें यहाँ पे पानी जो है वो थोड़ा चल रहा है, तो उस वजह से यहाँ पे पानी जो है वो ज़्यादा गंदा नहीं है, कोई पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं बीच में, बाकी उसके अलावा पानी जो है वो ठीक है। ये देखें जी, ये भी कोई फैमिली आई हुई है यहाँ पे घूमने के लिए। मेन पर्पज़ लोगों का ये होता है, हमारे रंग तो हमारे यहाँ लोग चाहते हैं, खासकर औरतें क्या आजकल लड़कों के भी यही हाल है, वो चाहते हैं कि हमारा रंग जो है वो गोरा हो जाए, लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो रंग काला करने के चक्कर में रहते हैं। जैसे धूप निकली जनाब, कच्चा बनियान पहना और चलो जी रंग काला करके आते हैं थोड़ा सा। हम लोगों को कहते हैं जी कि आपके रंग बड़े खुशकिस्मत हैं, आपके रंग बड़े अच्छे हैं, ब्राउन है। मैं कह चलो जो हमारे मुल्क में वहाँ पे लोग आपको बताएंगे कि गोरा रंग जो है वो करना है हमने या कर गोरे से जांच करानी है। ये देखिए पीछे ट्रेन गई है, ट्रैक नज़र नहीं आ रहा लेकिन ट्रेन यहाँ से गुजरी है, चका चक वाली नहीं थी, दूसरी थी ये। यहाँ पे देखें ये दरिया जो है वो खुला हो रहा है, बदकिस्मती कि आज कोई कश्ती चल नहीं रही, नहीं तो आपको वो कश्ती भी जो है वो दिखाते चलते हुए, बहुत स्लोली चलती है, स्पीड वाली कश्ती नहीं होती है। ये उन लोगों के लिए है कि जो सुकून पसंद है, कुछ सुकून हासिल करने के लिए वो दरिया पे आ जाते हैं। ये परिंदों की आवाज़ें हैं, ये शहरों में नहीं आती, इसलिए उन्होंने कश्ती खरीदी है। इतने पैसे जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उन पैसों की, ताकि वो इस चीज़ को इन्जॉय कर सकें। जब भी छुट्टी होती है तो वो इस चीज़ को भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ये बड़े प्यारे दरख्त हैं, बहुत लंबे देखे थे, मुझे नहीं पता किस चीज़ के हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये ऐसे दरख्त नहीं होते। यहाँ पे वगैरह जैसे हमारे तरफ होते हैं कीकर वगैरह होता है, ऐसे दरख्त जो है वो यहाँ पे नहीं है। फिर दूसरी तरफ से ट्रेन आई है, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आगे दरख्त है नज़र नहीं आ रही। ये देखिए यहाँ पे ये वॉक पे बना हुआ है, तो बच्चों से पूछते हैं कि चलें उधर के नहीं चलें। यू वांट टू गो? ओके, लेट्स गो देयर, हैव अ लिटिल वॉक इनसाइड द ट्रीज। देखें कितने दूर तक जाते हैं ये। ये जी एक बेटा मेरा आ गया पीछे, दूसरे ने कहा जी कि नहीं। ये देखें वो बड़ा ज़बरदस्त मॉल है, वो देखें सामने जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये जो लगा हुआ है एक कोई आला, ये शायद जो यहाँ पे परिंदे वगैरह हैं या उनको जो छोटे गुलारी वगैरह हैं उनको खुराक डालने के लिए यहाँ पे इन्होंने बाकायदा बंदोबस्त किया हुआ है। जी देखें जी, पीछे घूम के देखा है अपना बेटा साथ छोड़ गए, हाय हाय क्या ज़माना आ गया यार। उसने भी जब आगे दरख्त देखे हैं बहुत घने, उसने कहा कि ये भाग लो अब्बा जी को छोड़ो उनके हाल पे। ये देखिए बड़े प्यारे जनाब, इन्होंने ये साइड पे छोटी छोटी लकड़ियाँ लगा के इन्होंने रास्ता भी बनाया हुआ है। ज़बरदस्त परिंदे जो है वो बोल रहे हैं,
माशाल्लाह जी आ गए पुत्र, भाग गए थे मैसेंजर साथ छोड़ के भाग गए। नहीं जी ज़माना इतना ख़राब नहीं हुआ, आ गया वापस, भाई को बुलाने गया था। ठीक है मैं समझे भाग गए हो, किसी बुश को हाथ नहीं लगाना, अच्छा हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज़ हो कि खारिश शुरू हो जाए। ये हमारा जो ट्रेन ट्रैक है उसके पीछे ये देखें, इन्होंने ये लोहे के बैरियर लगाए हुए हैं ताकि ट्रेन की तरफ ट्रैक की तरफ को बंदा जो वो नहीं जा सके। देखते हैं कि ये रास्ता किधर तक जाता है, काफ़ी आगे जाता जा रहा है। ये सब क्या ख्याल है कितना दूर जाएगा ये? एक और माइल को लगता है साइकिल पे पहले गया हुआ है। आज हम खोजी बन जाते हैं, उसका ट्रैक लगाते हैं वो कहाँ तक गया है। देखें जी बहुत घने जो है वो दरख्त हैं, बहुत मज़े के। उधर अवॉइड करो कि आपके हाथ वगैरह इसके साथ ना लगे, ठीक है? मेरी तो कोई नहीं खैर है, अगर बच्चे के हाथ को लग गया तो फिर बेगम ने मेरी शामत लेके आनी है। ये देखें जी ये मेरे ख्याल में आगे बहुत दूर तक जा रहा है, कुछ बंदे जो है वो जा रहे हैं आगे वो साइकिल पे, तो अच्छा नहीं लगता कि उनको डिस्टर्ब किया जाए, पता नहीं वो किस मूड में होंगे। तो चले यहाँ से वापस चलते हैं दोबारा दूसरी तरफ, क्योंकि जिस रास्ते का आपको इलम ना हो कि कहाँ तक जाता है कहाँ पे एंड होता है उस पे जाने से गुरेज करना चाहिए। वैसे आम नामो ज़िंदगी में भी ऐसे करना चाहिए, जिस बात का ज़्यादा पता ना हो बहुत गहराई तक उसमें ना जाएं, कुछ नुकसानदेह भी हो सकती है, तो इसलिए हम वापस चलते हैं यहाँ से, क्योंकि आधी फैमिली जो है वो पीछे रह गई है। अगर अकेले होते तो कोई मसला नहीं था, जहाँ पे रास्ता जाता वहाँ पे चले जाते हम। यूसुफ यू एंजॉयिंग इट? या What's the best thing you like about it? ये जी इसको बहुत ज़्यादा अंदर जाना है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है। ये देखें जी किसी चूहे ने। दोस्तों वेलकम अगेन, माजरत के ज़रा मेमोरी लो हो गई थी तो फिर कुछ चीज़ें जो वो डिलीट करनी पड़ी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगी या नहीं, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको वीडियो जहाँ पे भी जाएं कुछ करें कुछ पकाएं वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना है, क्योंकि आजकल दुनिया जो है वो एक ग्लोबल कम्युनिटी है, तो इस ग्लोबल कम्युनिटी में जो ये ताल्लुकात हैं ये बनाने पड़ते हैं। एक जिस बंदे की आप वीडियो देखते हैं उससे एक ताल्लुक सा बन जाता है, तो हमारी कोशिश जारी रहेगी इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो कम्युनिटी है वो बड़ी होती जाएगी। आप भी उम्मीद करता हूँ कि इसको बहुत एंजॉय करेंगे। ये देखिए जी दोबारा जो है वो दरिया के पास आ गए, अभी पता नहीं बाकी मानदा फैमिली जो है वो किस तरफ गई है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आगे चलते जाएँ। वो देखिए जी हमारे दाएँ हाथ पे एक फार्म है, वहाँ पे घोड़े बंधे हुए, शायद आपको घोड़ा जो है वहाँ पे नज़र आ जाए। जिस चीज़ को नज़र आ रहा है वो कमेंट में बताए कि मुझे घोड़ा नज़र आ गया, ठीक है? इस वक्त आपको घोड़ा नज़र आ रहा है? मछली किधर है? वाह जी वाह,
ये देखें जी, क्या बात है, क्या बात है, सुभान तेरी कुदरत। ये देखिए कितनी मछलियाँ जो है वो ऊपर घूम रही हैं। अभी बच्चे हैं, वो छोटी नहीं पुत्र, कोई डोंट थ्रो एनीथिंग इनसाइड, डर जाएंगी वो। बड़ी भी आया इधर, किधर है? मुझे तो नज़र आ रही, बड़ा छोटे को जनाब नज़र आई है मछली उधर। तो काफ़ी छोटी मछलियाँ जो है वो इसमें अंदर है, इसके अंदर घूम रही हैं, बहुत ज़्यादा है। देखें, मैं समझ रहा था कि इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन आई एम सरप्राइज्ड कि काफ़ी तादाद में जो है वो मछलियाँ इधर हैं। सूरज की तपश बहुत ज़्यादा आज। आप कह रहे होंगे कि ये देखें मछलियाँ इधर भी हैं, कि 32 डिग्रीज जो है वो टेम्परेचर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ के लिहाज से 32 काफ़ी गर्मी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे एक ह्यूमिडिटी नहीं है जैसे वो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, हमारे एशिया में या मिडिल ईस्ट में, इवन वहाँ पे गर्मी के साथ आपको पसीना आता है। यहाँ पे अनलेस कि आप भाग रहे हैं, आपको पसीना नहीं आएगा। तो उसका नुकसान यह है कि तपश जो है वो ज़्यादा महसूस होती है, आपको आपकी स्किन को जो है ये जलाना शुरू कर देती है। ये देखें एक परिंदा है, मेरे ख्याल में जैसे तीतर होता है इस टाइप का एक परिंदा ये अक्सर नज़र आता है। अरीब, are you hungry? Yeah. Well, that was quick. अभी घर से निकले हैं जी, कि राय साहब को जनाब भूख लगी है, गर्मी आ रही है तो पानी पीना था, भूख कैसे लगी गर्मी के साथ। ये देखें जी यहाँ पे, ये कोई फिंडन जुबली वुड, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई है यहाँ पे कि द जुबली वुड प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय द वुडलैंड ट्रस्ट इन 2011। ये देखें जी, ये कोई दरख्त वगैरह इन्होंने लगाए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लगी हुई है। ये नीचे इसकी जो ट्रस्ट वगैरह हैं उनके सारे के इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे लोगों को एंटरटेन करने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो काफ़ी होती हैं। झूले होना यहाँ पे लाजमी नहीं है लोगों के लिए, हेल्थी एनवायरनमेंट जो है वो इन्होंने प्रोवाइड की हुई है ताकि लोग जब बाहर आएँ घूमने फिरने के लिए, वॉक के लिए, तो उनको ऐसी चीज़ें मिलें कि वो उसके साथ लुत्फ़अंदोज़ हों। बैठना है अगर तो बैठ जाए यहाँ पर। हाँ, पानी के कूलर नहीं लगे हुए यहाँ पे, ये कहते हैं कि अपनी बोतल लेके आए। हमारे यहाँ तो कूलर लगे भी हों तब भी जनाब ग्लास चैन के साथ बंधा होता है। मेरी एडवाइस इस प्लेटफॉर्म से जो है वो दोस्तों को यही है कि भी जहाँ पे भी जाते हैं अपने अच्छे निशान छोड़ के जाए, ताकि कोई बंदा हमें जब याद करे तो अच्छे अल्फाज में याद करे, ऐसा ना हो कि जब हम चले जाएं तो पीछे कहेगी यार ओ, अच्छा हुआ जान छूटी। तो अच्छी यादें जो वो छोड़ के जाए। ये देखिए सामने एक वो शायद बतख है, सफ़ेद रंग की बतख नहीं है, किसी और ब्राउन से कलर की है। वो देखें सामने वो घोड़े थे उसके साथ जो है वो आपको नज़र आएंगी, गाय भी बधी हुई है। ये देखें काफ़ी सारी गायें हैं यहाँ पे, ये फार्म वाली गायें हैं, इनका दूध जो है ना वो ये आगे सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, अभी मामा आलू है उस रास्ते का, ये लड़की और लड़का जो है वो, ये देखें ये बतख है, ये लड़की लड़का जो साइकिल पर खड़े हैं ये उस रास्ते पर जो हमारे आगे आगे जा रहे थे, तो उस रास्ते ने यहाँ से निकलना था, यहाँ पर आके निकले हैं वो, यानी कि एक किस्म का वो अंदर से जंगल से घूम घाम के तो रास्ता इधर आ गया। तो आप देखते जाए जनाब। हेलो, चलें जी दोस्तों, मेरे ख्याल में वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आगे तो यही कुछ चलना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जो है वो प्रेस कर लें, ताकि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जो है वो उसका पहुँच जाए। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआएँ करते रहते हैं।
आप हमारे लिए दुआएं करें, ऐसे ही काम जो है वो चलेगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।